अभी हमारे यहां जो डेटा जनरेट हो रहा है वो बहुत विशाल है और अनेक एजेंसियों अनेक विभागों के पास स्टोर है। ये डेटा भी इन एजेंसियों और विभागों ने अपने यूज के लिए कलेक्ट किया है, लेकिन ये भी सही है कि अक्सर ये डेटा एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाता, ये विशाल डेटा लिंक नहीं होता, इसलिए अकाउंटेबिलिटी गैप भी नेचुरल कोर्स में आ जाता है। हमें इसे ब्रिज करना है और इसके लिए सरकार के स्तर पर भी कुछ कोशिश हो रही है, कदम उठाए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस विषय पर आपस में विचार करेंगे और दूसरी एजेंसियों और विभागों के साथ भी साझा करेंगे। और मुझे याद है पिछली बार मैंने आपके बीच एक ही जिले में रोड कंस्ट्रक्शन का उदाहरण दिया था, ये बताया था कि कैसे एक ही जिले में समान लंबाई की सड़क जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं तो कई बार कीमतों में कितना फर्क रहता है। अब अलग अलग ऑडिट के समय में तो दोनों ठीक लगते हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर को देखें तो सही नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण सरकारी विभागों में है जहां पर बिग डेटा एनालिसिस सुधार किए जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जब आप बड़े डेटाबेस को अपने ऑडिट के लिए एनालाइज करते हैं तो आपकी जानकारी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में बहुत काम आ सकती है। अगर इसमें सीएजीएस डेटा से जुड़ी जानकारियों के आधार पर एडवाइस दे सके, कुछ इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन दे सके, तो मैं समझता हूं इससे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। और मेरा तो आग्रह यह भी होगा कि आप सिर्फ ऑडिट के लिहाज से ही नहीं, एक थिंक टैंक के नजरिए से भी सोचें। साथियों, मैंने पिछली बार इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की भी बात की थी। डिजिटल ऑडिट और डिजिटल गवर्नेंस अलग अलग संस्थाओं में इस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को भी मजबूत करने का काम कर सकते हैं।